नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरने, और आइए देखते हैं बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियां तेज। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी करेंगे कॉरिडोर के प्रथम चरण का उद्घाटन। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सरकारी महकमे में तेजी से की जा रही है तैयारियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकाल परिसर विस्तार की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। शाम 5 बजे मंत्रालय में होगी समीक्षा बैठक। बचे कामकाज को जल्दी खत्म करने के देंगे निर्देश। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बनाए जाएंगे कार्यक्रम। बड़ी खबर बता रहे हैं भोपाल से आपको, महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियां तेज। पीएम मोदी करेंगे कॉरिडोर के प्रथम चरण का उद्घाटन। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक राणा हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरह से महाकाल कॉरिडोर का जो लोकार्पण की तैयारियां तेज कर दी हैं, 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, क्या अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल, पूरी यदि बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज महाकाल कॉरिडोर विस्तार के लोकार्पण को लेकर जो बैठक है वो रखी गई है, एक बड़ी समीक्षा बैठक है। आज मुख्यमंत्री करीब शाम 5 बजे ये बैठक करेंगे मंत्रालय से। बैठक की तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे, साथ ही तमाम जो उज्जैन के जो अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से खबर आ रही है कि 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने, जो प्रथम चरण का जो उद्घाटन है उसका उद्घाटन करने संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे, जिसके लिए जो तैयारी है वो तेज कर दी गई है। और तेज की समीक्षा बैठक किस प्रकार से मुख्यमंत्री रखी है, देखने में काम कहां तक को कहीं ना कहीं देखने के लिए मुख्यमंत्री ने कि बड़ी बैठक बुलाई गई। क्योंकि कामकाज की बात की जाए और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किस प्रकार से व्यवस्था किस प्रकार से रहे, तो तमाम पहलुओं को लेकर ये जो बैठक रखी गई है समीक्षा बैठक, ये बड़ी अहम मानी जा रही है। क्योंकि बात की जाए महाकाल कॉरिडोर को लेकर, तो महाकाल कॉरिडोर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही न्योता है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया है। अब देखने वाली बात है कि आज समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा बैठक में यह तय किया जाएगा कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, और बात की जाए कामकाज की तो कामकाज की गति को किस प्रकार से और तेजी दी जाए। जी विवेक, और जिस तरह से ये दौरा है और महाकाल कॉरिडोर विस्तार की बात करें तो कितना काम बाकी बचा है, क्या 11 अक्टूबर तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्या इसको पूरा करने में जो समय बचा है वो पर्याप्त है? बिल्कुल, बात की जाए समय की या पूरे कामकाज की यदि बात की जाए तो किस प्रकार से कामकाज में गति लाई जाए उसको लेकर कहीं ना कहीं आज ये जो समीक्षा बैठक रखी गई है, मुख्यमंत्री सीधे ही कामकाज की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही बात की जाए काम की तो काम कहाँ तक पहुंचा और उसमें कितनी गति लाना है, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को तमाम जो निर्देश हैं वो दे सकते हैं। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री भी तो महीने जिस प्रकार से दिल्ली गए थे, दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक न्योता दिया था कि महाकाल कॉरिडोर का विस्थापन का जो उद्घाटन है उसका प्रतिष्ठान का उद्घाटन है वो आपके द्वारा किया जाए। तो अब देखने वाली बात है कि कहाँ तक ये जो काम है वो पहुंचा है, जिसके लिए आज जो बैठक है वो रखी गई थी। जी विवेक, आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। आपको बता दें महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी करेंगे कॉरिडोर के प्रथम चरण का उद्घाटन।